भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है ज़िंदगी में। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो। 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहाँ से प्रभु श्री राम है, अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। এখনো পর্যন্ত যা স্থির আছে, দুপুর একটা নাগাদ জনসভা রয়েছে এবং সেই জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। 15,700 কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। দুপুর 2:40 নাগাদ দিল্লি থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে প্রথম বিমান। এই যে বিমানবন্দর মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সেখান থেকে প্রথম বিমান রওনা দেবে 2:40। এইটা ট্রেনের ভেতরের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে যারা রেলের কর্মীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। মার্জনা করবেন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই হচ্ছে সেই নতুন ট্রেন, 8টি যে নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে, সেই ট্রেনের একটি একেবারে ভেতরে পুরো ব্যবস্থাপনাটা খতিয়ে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে নতুন 8টি ট্রেনের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে এবং তার আগে এই মুহূর্তে ট্রেনের ভেতরে গিয়ে কথা বলছেন ছাত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সচরাচর প্রধানমন্ত্রী, এইটা দেখা গিয়েছে যে যারা একেবারে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও মিশে যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজকের দিনেও যার কোনো ব্যতিক্রম হতে দেখা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী ঠিক তার পেছনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং তার পেছনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রয়েছেন। দুটি যে অমৃত ভারত, তার একটি ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। একেবারে এই যে স্টেশন অযোধ্যা ধাম স্টেশন, যেখান থেকে ট্রেন রওনা দেবে, ট্রেনকে কার্যত গ্রিন ফ্ল্যাগ দেখাবেন, সবুজ পতাকা দেখে রওনা করাবেন প্রধানমন্ত্রী। পুরো স্টেশন প্ল্যাটফর্ম চত্বর এবং স্টেশন চত্বর লাল কার্পেটে মুড়ে ফেলা হয়েছে। प्रस्तुतियां चल रही हैं, दीपा प्रधानमंत्री वहां ने वहां पर उद्घाटन किया है, लोगों से बात कर रहे हैं और ये उनका ही काफिला है। जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये उनका पूरा आपको काफिला दिख रहा है और इसके आगे मेरे कानों में वो सुमधुर ध्वनियां हैं, वो उत्साह में डूबे हुए लोगों की ध्वनियां हैं, वो आनंद में डूबे हुए यहाँ अयोध्या के निवासियों की ध्वनियां हैं, जिन्होंने अयोध्या की शास्त्रीयता को देखा है, अयोध्या की इस भौतिक उपलब्धियों को देखा है, अयोध्या की। और ये देखिए एग्जैक्टली मैं पहुंच गया हूँ, आपको वो तस्वीर में दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर क्या अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। प्रवीण भाई आइएगा, ये देखिए सामने मयूर नृत्य किया जा रहा है। ये एग्जैक्टली हम स्टेशन पर हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री अंदर अभी उद्घाटन करके कुछ देर में बाहर आने वाले हैं। और यहाँ देखिए ये इस मयूर नृत्य की प्रस्तुतियां और ये सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं, ये अयोध्या का, ये देखिए और नजदीक आइएगा, ये जो उत्साह है, ये जो लोक कलाकारों की